फ्रेंड फोन खो जाना फिर चोरी होना बहुत ही आम बात है। किसी के साथ किसी भी टाइम पे ऐसा हो सकता है, किसी का फोन खो सकते हो सकता है। आजकल आपका फोन बहुत ही कीमत वाली हो फिर आपका फोन बहुत ही सस्ता वाली हो, लेकिन फ्रेंड बात हो नहीं है। अभी का टाइम पे जैसे देश में कानून का व्यवस्था में ला रहे तो हो सकता है आपका जो फोन ले गया फिर उसका कोई गलत इस्तेमाल कर दिया तो आप फंस जाते, तो इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आपको होने वाला है। जितना का वाली फोन भी है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर खोने का बात फिर चुराने का बात अगर कोई गलत इस्तेमाल करे तो आपको प्रॉब्लम हो सकते है। तो फ्रेंड मैं ऐसा ट्रिक्स लेके आया हूँ जो आप आसानी से आपका खोआ हुआ फोन फिर चुरी जाओ फोन भी आसानी से ढूंढ पाओगे। ऐसा भी हो सकता है फ्रेंड आपका कोई फ्रेंड कहाँ है फिर आपका गर्लफ्रेंड कहाँ है वो भी आसानी से आपका मोबाइल का द्वारा देख पाओगे, एग्जैक्ट लोकेशन आपको बता देगा, उधर में जाके उसको फाइंड कर सकते हैं। आप घर बैठ के ही कर सकते हो, कहाँ पे है आपको एग्जैक्ट लोकेशन बता देगा। तो वो कैसे करते फ्रेंड, आप अगर सीखना चाहते हैं जो आपका खोया हुआ फोन आप किसी भी टाइम पे अगर खो जाए, कितना दिन पहले भी खो गया फिर चोरी हो गया और आप दो मिनट में भी ढूंढना चाहते तो ये वीडियो बिना स्किप करके आखिर तक देखते रहे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं थ्योरेटिकल सम्राट यूट्यूब चैनल, मैं सम्राट विश्वास आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे चैनल में। अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना और कोई भी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबा देना। चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड। एक ट्रिक अगर आप यूज करना चाहते हैं तो पहले तो आपको एक बात ध्यान रखना पड़ेगा, जो फोन आपको खो गया फिर चोरी हो गया उसको फोन में जो ईमेल आईडी था वो आपको याद रहना चाहिए और उसका पासवर्ड भी याद रहना चाहिए, तब जाके आप आसानी से कर पाओगे। जैसे आप अगर किसी को फाइंड करना चाहते, किसी को खोज करना ढूंढ निकालना चाहते तो उसका ईमेल आईडी एंड उसका पासवर्ड आपको याद रहना चाहिए। किसी को फोन को फॉलो करना चाहते आपका फ्रेंड फिर गर्लफ्रेंड किसी का भी तो उसका ईमेल आईडी एंड पासवर्ड आपको पता होना चाहिए, तो अभी आप कर पाओगे। तो सिंपली आपको प्ले स्टोर में चला जाना, जाके इधर में फाइंड माई डिवाइस लेके सर्च करना, बस इतना ही। आप अगर इतना भी नहीं करना चाहते तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, उधर से भी आसानी से कर सकते हैं। तो फिर ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद फ्रेंड इसमें आपको लॉग इन करना साइन अप करना पड़ेगा। तो इधर में कंटिन्यू सम्राट एज ए सम्राट मेरा जो ईमेल आईडी है फ्रेंड ये ले लेगा, लेकिन मेरे को तो ये ढूंढना नहीं चाहिए, मेरे को जो खो गया है वो ढूंढना चाहिए। तो इधर में आपको ओके नहीं कर देना, आपको नीचे में जो ऑप्शन मिल जाएगा सिंग इन एज ए गेस्ट उसमें क्लिक करना। करने के बाद फ्रेंड आपको जो ईमेल आईडी ढूंढना चाहते उसको इधर में टाइप कर देना। फ्रेंड देख सकते हैं मैं ईमेल आईडी इधर में बैठा दिया, तो बाद में नेक्स्ट मार्क क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद फ्रेंड इसका जो पासवर्ड है वो देना पड़ेगा आपको, तो इधर में पासवर्ड दे दे। पासवर्ड बैठाने के बाद आपको नेक्स्ट में क्लिक कर लेना। नेक्स्ट करने के साथ साथ आपका सामने कुछ इस तरह पेज आ जाएगा, इधर में अलाउ मांगेगा तो इधर में अलाउ कर देना। करने के बाद आपको लेके जाएगा कौन सा फ़ोन में ये जो ईमेल आईडी यूज हो रहा है वो अभी कहाँ पे है और वो कौन सा फोन में है वो तो देख सकते फ्रेंड इधर में दिख जाएगा, नोकिया 6 में यूज हो रहा है। उसका बैटरी का चार्ज कितना है वो भी बता देगा फ्रेंड, इतना तगड़ा आपको एप्लीकेशन मिल गया है। और वो अभी कहाँ पे है फिलहाल देख सकते आसानी से, जैसे मैं जहाँ पे वहाँ पे ही, क्योंकि ये मेरा दूसरा नंबर का ईमेल आईडी है। इधर में ऑटोमेटिकली आपको दिख जाएगा, ऐसे कोई भी ईमेल आईडी आप इधर में करोगे और उसका पासवर्ड अगर आपको मालूम हो तो इधर में वो कहाँ पे आप डायरेक्टली आप गेस कर सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और इधर में फ्रेंड उसको नीचे में आपको तीन ऑप्शन मिल जाएगा, एक तो उसमें साउंड भी आप सेट कर सकते हैं, दूसरा वो जो डिवाइस है आप इधर बैठ के लॉक कर सकते हैं, मतलब वो जो फोन है इधर बैठ के आप लॉक करके दे सकते हैं जो वो फोन और कोई नहीं चला पाएगा। दूसरा बात है फ्रेंड आप ये जो वो जो डिवाइस है वो आप डिसमिस भी कर सकते, मतलब वो मोबाइल इधर बैठ के आप खराब कर सकते हैं, इतना आसान है। और आप तो देख लिया है तो ये चलाने में कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगा, आप आसानी से आपका खोया हुआ जो फोन है इधर से लग करके आप कोई भी पुलिस के पास जाने का जरूरत नहीं, किसी को भी बता देने का जरूरत नहीं, बैठा बैठा है फ्रेंड घर बैठ के आपका मोबाइल के द्वारा आप इतना कुछ कर पाओगे। और उसको जो लोकेशन है फ्रेंड ये तो मेरा यही फोन का लोकेशन है, तो इधर भी बता रहे दूसरा फोन का, तो अगर कहाँ पे भी रहेगा कितना किलोमीटर दूर में रहेगा कोई भी देश में रहेगा तो इधर में आप आसानी से देख पाओगे इतना आसानी से। तो फ्रेंड आप भी ये ट्राई करना, लेकिन कोई मैं एक रिक्वेस्ट ये करूँगा कोई गलत काम में इस्तेमाल मत करना, क्योंकि तो फिर मेरा नाम खराब होगा।
तो अगर आपको ये फायदा फुल रहा है, किसी का भी फोन खो गया, कोई भी जरूरत में अगर काम पे आ गया तो जरूर रेफर करना, आपको 100% वर्किंग करके देगा ये। अगर आपको ये हेल्पफुल लगा तो आपका फ्रेंड का साथ, आपका रिश्तेदार का साथ जरूर शेयर करना, और हमेशा हमारे साथ में रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ अगले वीडियो में फ्रेंड, तब तक के लिए बाय, नमस्कार।